नमस्कार, मैं प्रवीणा गावित। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। महिला दिन के अवसर पर वातानुकूलित लोकल में महिलाओं के लिए राखी बोगी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। सामान्य लोकल की तरह वातानुकूलित लोकल में भी महिला यात्रियों के लिए राखी बोगी शुरू की जाए, ऐसी मांग महिला यात्रियों ने की थी। इसके अनुसार पश्चिम रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए महिला दिन के अवसर पर वातानुकूलित लोकल, इस लोकल में महिलाओं के लिए राखी बोगी की सुविधा उपलब्ध करके दी है। वातानुकूलित महिला राखी बोगी यात्रियों को सहजता से पहचान में आए, इसीलिए इस बोगी को हरा रंग दिया गया है। गाड़ी के दोनों दिशाओं में महिलाओं के लिए राखी बोगी निश्चित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। रबाले से घनसोली उड्डान पुल का काम अंतिम पड़ाव में है। थाने बेलापुर मार्ग पर हर रोज बड़ी मात्रा में वाहनों की यातायात रहती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है। इसे सुलझाने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने रबाले रेलवे स्थानक से घनसोली रेलवे स्थानक तक एक उड्डान पुल निर्माण करने का प्रस्ताव 5 वर्ष पूर्व तैयार किया था। इसके अनुसार थाने बेलापुर महामार्ग पर होने वाली ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए बनाए जाने वाला रबाले से घनसोली तक का 400 मीटर के उड्डान पुल का काम अंतिम पड़ाव में है और यह मार्ग गुड़ी पाड़वा तक शुरू करने की एमआरडी की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। शहर में पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की वजह से नागरिकों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने से गर्मी से नागरिक परेशान है। इस तापमान बदलाव का नागरिकों के सेहत पर बुरी तरीके से असर पड़ रहा है। नागरिकों को बुखार और गले की बीमारी बढ़ रही है। छोटे बच्चे भी ही स्ट्रोक से परेशान है। सर्दी खांसी बुखार, यह वायरल बीमारियां बच्चों में भी दिखाई दे रही है। दिन ब दिन बढ़ते गर्मी के वजह से नागरिक परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। बेस्ट बस में 1 अप्रैल से दरवार लागू होगा, 15 लाख यात्रियों पर इसका असर पड़ेगा। महानगर पालिका के शनिवार को हुए सभागृह के बैठक में बेस्ट के दरवाड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से यह दरवाड़ लागू होंगे। बेस्ट बस के 6 किलोमीटर अंतर के आगे 1 से 12 रुपए तक दाम बढ़ेगा। इस बड़े दाम का असर बेस्ट के 15 लाख यात्रियों को भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके जरिए आप 1 घंटे में मैसेज डिलीट कर सकते हो। व्हाट्सएप ने पिछले साल मैसेज डिलीट करने के लिए नया फीचर लाया था। अब तक यह फीचर मैसेज भेजने के बाद केवल 7 मिनट में यूज करना जरूरी था। यह 7 मिनट मैसेज डिलीट करने के लिए बहुत कम समय है, ऐसी ग्राहकों की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अनुसार अब व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके जरिए अब आप 1 घंटे में यह मैसेज डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल स्थिति में व्हाट्सएप के जरिए इसी की टेस्टिंग शुरू है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर का ग्राहकों को फायदा होगा। जल्द ही यह फीचर सबके लिए अब खुला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।